हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। आज के लेक्चर विच एक और एमसीक्यू को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने राइट हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉट ट्राई एटॉमिक। ये जो डिफरेंट आपको मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं वो आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल ट्राई एटॉमिक नहीं है। सो इनके ऑप्शन पर, इनके आंसर पर आने से पहले मैं आपको जस्ट थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे दूं कि बेसिकली मॉलिक्यूल क्या होता है। मॉलिक्यूल का आपको पता होना चाहिए, फिर ये जो ट्राई एटॉमिक, डाई एटॉमिक, मोनो एटॉमिक या पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये इसकी टाइप्स होती हैं। ठीक है, अब मॉलिक्यूल को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि ए मॉलिक्यूल इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप ऑफ टू आर मोर एटम्स हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड्स। जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स केमिकली कंबाइन होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब देखें, यहाँ पर मैं ये क्लियर कर दूँ कि दो एटम्स सेम भी हो सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा एटम्स वो सेम भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक हो गया। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल दी हुई है वाटर H2O। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि तीन एटम्स हैं टोटल, दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का, तो टोटल तीन एटम्स हैं, जबकि दो एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, इसी तरह से N2 एक ही एलिमेंट है, उसके दो एटम्स हैं, नाइट्रोजन के दो एटम्स हैं N2, ये भी मॉलिक्यूल है। इसी तरह ओजोन O3 एलिमेंट ऑक्सीजन नहीं है लेकिन उसके तीन एटम्स हैं O3। ठीक है, इसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड CaO दो एटम्स हैं, कैल्शियम का और ऑक्सीजन का एटम है। इसी तरह से ग्लूकोज जो कि बेसिकली शुगर होती है C6H12O6, कार्बन के 6 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 12 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 6 एटम्स हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया कि दो या दो से ज़्यादा एटम्स जब केमिकली कंबाइन होते हैं तो वो मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल में सेम एटम्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट एटम्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल की। जैसे नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है ट्राई का मतलब होता है तीन, एटॉमिक मीन एटम वाला, तीन एटम वाला मॉलिक्यूल। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर मॉलिक्यूल्स कंपोज्ड ऑफ 3 एटम्स। ठीक है, ऐसा मॉलिक्यूल्स जिसमें तीन एटम्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। ऑफ आइदर द सेम आर डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स। अब देखो, वो सेम एलिमेंट्स के एटम भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम भी हो सकते हैं, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। जैसे कि ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल में H2O, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि दो हाइड्रोजन के एटम हैं और एक ऑक्सीजन का एटम है, तो टोटल तीन एटम्स हो गए। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड CO2, यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको एक कार्बन और दो ऑक्सीजन, तीन एटम्स हो गए टोटल। सो अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। अगर हम ए ऑप्शन को देखें H2, जिसमें आपको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है, मॉलिक्यूल तो है लेकिन ट्राई एटॉमिक नहीं है, ये डाई एटॉमिक है। ठीक है, सो इसके लिए हमारा जो ऑप्शन है वो ए हो जाएगा, जबकि बाकी जो तीन ऑप्शंस हैं उनको आप देखें तो तीनों ऑप्शंस में तीन तीन एटम्स हैं। ठीक है, एक मॉलिक्यूल में, तो बाकी के तीन जो मॉलिक्यूल हैं वो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं। जस्ट ये जो एक मॉलिक्यूल था H2, ये ट्राई एटॉमिक नहीं है, ये डाई एटॉमिक है। सो होपफुली आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा बड़े अच्छे से। फिर भी अगर आप लोगों के माइंड में कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।